और एक बार फिर से महान टाइगर वॉरियर की जीत हुई और पेंगुइन्स के सारे अंडे बच गए और सब खुशी खुशी रहने लगे। सोने का वक्त हो गया है, अच्छे से सोना। जल्दी करो वरना हम आखिरी मैच मिस कर देंगे। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, कर लूंगा। तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है, अब जाओ भी। हेलो मार्सेल। वो आठ, हम जीरो। पता है, इस साल मार्सेल की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वो तो महीनों से कुछ नहीं जीते हैं। उनके खेल में जोश की कमी है। हाँ सही कहा, मेरी मॉम कहती है कि इसकी वजह ये है, बहुत ज्यादा मछली खाना और एक्सरसाइज नहीं करना। क्या ये मेरा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है, ये मेरा है। नहीं, मुझे तो लगता है ये मेरा है। आज से ये पूरा इलाका हमारा है और अब से तुम सब हमें अपनी जमा की हुई मछली का आधा हिस्सा दोगे। खामोश, और मुझे इंकार करने की सोचना भी मत, वरना। तुम सब मेरी बात समझ गए ना? सच कहूं तो मुझे लगता है तुम्हारे सर पर सफेद बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनकी वजह से तुम ज्यादा हैंडसम लगते हो। हाँ, सब इन्हें देखकर तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और हम जैसे हैं वैसे ही रहना अच्छा है। रॉक पेपर सीजर्स। तुम बस इतना जान लो फ्रेड, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। मेरे बाल हैं घने, जानता हूँ मैं, सब है जलते देख के इन्हें। ये हैं लंबे और घने, इन्हीं को देख कर है मेरे कई फैंस बने। चलो बेटा, लगता है हमारा खाना तैयार है। तुम सब जानते हो, जो करते हो वही करना। टाइगर टैक्टिक्स का इस्तेमाल, चुपके से जाना, अचानक हमला करना, पर इस बार गुर्राने की कोशिश करना उन्हें डराने के लिए। रेडी? ठीक है, वक्त आ गया है। चलो से देखा इस जंगल का बॉस कौन है। ये कमिंग। अरे यार, हमारी किस्मत है खराब, एक हफ्ते में तीन बार हमले हुए जनाब। जाओ जूनियर, इसे पटको, इस पर रहम मत करना। आज तुम्हारा दिन अच्छा है फ्रेड, जूनियर तुम्हें दूसरा मौका दे रहा है। hey, जूनियर अच्छा कर रहे हो, कह देता हूँ मेरे बालों से दूर ही रहो। डरो मत फ्रेड, तुम्हारे बालों को कुछ नहीं हुआ है।
बॉल सवारने का वक्त नहीं है मिलता, इन्हें कुछ हो ना जाए। हमारी किस्मत अच्छी है कि आज हमने बहुत ज्यादा नाश्ता किया है। शाबाश बेटे, क्या डराया तुमने उसे? एक्सक्यूज मी मॉरिस, जानता हूँ जूनियर को ट्रेनिंग की जरूरत है, पर तुम्हें दिखता नहीं हम यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं। उखार टाइगर्स बस अपना काम करते हैं, यही जंगल का कानून है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। जंगल का कानून? उसमें सोते हुए लोगों की नींद तोड़ने के बारे में कुछ नहीं लिखा। ओह, तुम अभी यही हो गिलबर्ट? मैं हमेशा से यही था। दरअसल मैं इस डाली पर पिछले 9 साल 5 महीने और 12 दिनों से हूँ। थके हुए लग रहे हो गिलबर्ट, रात को नींद नहीं आती? सबको पता है कि मुझे जल्दी नींद नहीं आती। हर दिन मेरे सोने के वक्त ही कोई मीटिंग आ जाती है, और वो भी ठीक मेरे पेड़ के नीचे की जाती है। और फिर वैसे मॉरिस, तुम्हें दिख रहा है कि जूनियर हिल नहीं रहा? ओप्स। एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा आराम करना चाहिए, ऐसा सब कहते हैं। बाद में मिलेंगे गिलबर्ट, अब कुछ देर सो जाओ, ठीक है? और तुम दोनों सुनो, तुम चौकन्ने रहना, कल तुम्हारी बारी है। चलो अब हम चलते हैं, हमें जाकर कुछ हाथियों पर नजर रखनी है। ये करना सही नहीं होगा, मुझे लगा ही था ये मछलियाँ सही नहीं है, पर नहीं, मास्टर पॉन्ग किसी की सुनते हैं क्या? और मुझे भूख लगी थी, ऊपर से हम कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए चलते जा रहे हैं। और घर से निकलते वक्त तुमने मॉम से वादा किया था कि तुम अपनी बहन की बात मानोगे, पर नहीं, मास्टर पॉन्ग हमेशा की तरह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वैसे भी मुझे अब भी लगता है सबका कोई फायदा नहीं, तुम्हारे महान टाइगर वॉरियर ना कभी थे ना होंगे, और तुम ये बात मान लो। दुनिया भर में कईयों ने उनको ढूंढने की कोशिश की है, पर वो किसी को नहीं मिले हैं, कम से कम अब तक तो नहीं। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि वो कहानी सिर्फ बच्चों को सुलाते वक्त सुनाने के लिए बनाई गई थी। नहीं, हम कामयाब जरूर होंगे, और मुझे पक्का यकीन है वो है, और हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे, देख लेना। तुम्हें जो मानना है तुम मान लो, पर मैं अब थक गई हूँ, हम कल घर लौट जाएंगे। हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में कैसे फंसा देते हो? ठीक है, माना मुझसे फिर से गलती हो गई, पर अभी मुझे नीचे उतरने में मदद तो करो। तुम एक बहुत बड़े जीप पर लेटे हो, तो एकदम धीरे से नीचे आना, ठीक है? थैंक यू पिंग, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अभी इसके पेट पर नाचने जा रहा था। मिगर, अच्छा बनेगा मिस्टर मॉरिस। मैं तुम्हें बहुत धीरे से नीचे खींचने की कोशिश करती हूँ। प्लीज मेरे छोटे भाई को माफ करना मिस्टर, इसने आपको जानबूझकर नहीं जगाया। ठीक है फिर, हम यहाँ से इसी वक्त जा रहे हैं, बाय। तुम क्या हो? वो अब मैं कैसे बताऊँ, हम पेंगुइन्स हैं, हम बहुत दूर से आए हैं मिस्टर बड़े बालों वाले मॉन्स्टर। पेंगुइन्स? कभी नहीं सुना, कभी पेंगुइन्स को डिशुम नहीं किया। मिगेल खुश हुआ, डिशुम करने के लिए नए दोस्त मिले। टाइगर, मिस्टर मॉरिस, मिगेल के नए पेंगुइन दोस्त मिस्टर मॉरिस को जानते हैं? जानते हैं मिस्टर मॉरिस, हम उनके दोस्त हैं, हम उनसे ही मिलने जा रहे थे, पर वो रहते कहाँ हैं? मिगेल अच्छा है, मिगेल तुम्हें मिस्टर मॉरिस के पास ले जाएगा। कल सुबह बड़े टाइगर को मत बताना मिगेल ने तुम्हें डिशम किया, ठीक है? मिगेल अच्छा है। ओह हाँ, मिगेल अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ना पॉन्ग? तुम एक बात गांठ बांध लो बच्चे, इस जंगल में सब सिर्फ मुझसे डरेंगे, हर कोई मेरी बात ही मानेगा, और कोई किसी को बिना मेरे कहे कभी डिशुम नहीं करेगा। मिगेल सब दोस्तों को डिशुम करता है, तुम मिगेल के दोस्त नहीं, मिगेल फिर भी तुम्हें डिशुम करेगा, तुम बुरे टाइगर। डिशुम छोड़ो, सिर्फ मुझे छू कर दिखा दो, मुझे मार सके ऐसा दम किसी। और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं अपना लंच खा चुका हूँ।
मिगेल अच्छा है, मिस्टर मॉरिस, मिगेल सॉरी मिस्टर मॉरिस, मॉरिस जंगल के सबसे महान वॉरियर है। तुमने सुना ना पिंग, जंगल के सबसे महान वॉरियर, मुझे यकीन है वो वही है, वो हमें मिल ही गए। हाँ हाँ शायद, पर अभी हमें इसे जगाना होगा वरना ये हमें गुब्बारे की तरह फोड़ देगा। हे मिस्टर मिगेल, मिस्टर मिगेल। जानते हो बेटा, तुम जब छोटे थे मुझे डर था कि तुम्हें भी मेरी जैसी स्किन प्रॉब्लम होगी। अच्छा है तुम्हारी स्ट्राइप्स कभी धुंधली नहीं होती, उन्हें फिर से लगाना नहीं पड़ता। ओके और लो हो गया, चलो काम पर चले। देखो बेटा, मेरे रिटायर होने के बाद तुम्हें ही इस जंगल के राजा होने का काम संभालना होगा, इसलिए तो मैं तुम्हें इतनी ट्रेनिंग देता हूँ, और मुझे पता है वक्त आने पर तुम तैयार हो जाओगे। फिर से टाइगर यहाँ है, उन्हें यहीं से देखो, वो जूनियर को सिखा रहे हैं। कल तुमने अच्छी तरह शिकार किया था, पर हमें कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी दहाड़ में अब भी वो बात नहीं है, फिक्र नॉट, तुम्हें बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई जन से जंगल का राजा नहीं होता, जंगल का राजा तो बना जाता है। अब सुनो, वाओ, अब तुम करो। बहुत अच्छे, तुम कर सकते हो, तुम्हारा इरादा तो पक्का है, बस तुम्हें उसमें आवाज डालनी होगी। मैंने कहा था ना, वो है, वो वैसी है जैसे कहानी में लिखा है, ऑरेंज और काली स्ट्राइप्स वाले, दिखने में खूंखार और दहाड़ ऐसी जो अच्छे अच्छों को डरा दे। ये वही महान टाइगर वॉरियर है, हम बच गए। ठीक है चलो उनसे बात करें। ठीक है ठीक है, समझ गए जूनियर, अब तुम ये करके देखना चाहोगे? एक्सक्यूज मी, तुम दोनों पागल हो क्या? ऐसे बिना बताए किसी को पीछे से आवाज नहीं दिया करते हैं। मैं तुम्हें बेटा, मैंने पहले कभी इतने अजीब पंछी नहीं देखे, और देखो इनकी चाल तो कितनी ज्यादा अजीब है। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, यकीन नहीं होता। देखा ना बेटा, डर और इज्जत ऐसे हासिल करते हैं। तो बताओ मेरे दोस्तों, तुम यहाँ किस लिए आए हो? आपके लिए सर, आप महान टाइगर वॉरियर हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे गांव को बचा लीजिए। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, पर एक टाइगर वॉरियर होने के नाते पूरी बात सुनूंगा। दरअसल ये सब कुछ साल पहले शुरू हुआ। हमारा घर साउथ पोल की बर्फीली पहाड़ियों पर है, जहां हम शांति से हंसी खुशी रहते थे। उन भयानक मॉन्स्टर्स के आने से पहले वॉलरसेस, वो न जाने कहां से आ गए और हमें अपना गुलाम बना लिया, और तब से हम मजबूरी में किसी तरह अपने दिन काट रहे हैं। पॉन्ग, मेरी पीठ में दर्द होने लगा है, तो मेहरबानी करके इन्हें कहानी शॉर्टकट में बता दो। हाँ, आई एम सॉरी, एक कहानी के मुताबिक सिर्फ महान टाइगर वॉरियर और उनके साथ फ्रीडम फाइटर्स ही हमें उन शैतान वॉलरसेस के पंजों से आजाद करा सकते हैं। तुमने सुना बेटा, तुम्हारे डायरेक्ट कहानी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हम उन गंदे वॉलनट्स की चटनी बना देंगे। वॉलरस, एग्जैक्टली। अब हम खड़े हो जाएं। हाँ जरूर। वैसे तुम्हारे वो शैतान दिखते कैसे हैं? वो बहुत बड़े हैं, बहुत ही ताकतवर, और सबसे जरूरी बात, बहुत ज्यादा बुरे। लगता है जहाँ से तुम आए हो वहाँ तुम्हें मुसीबतों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है ना? अब हमें कुछ एक्शन मिलेगा, हम उन्हें सीधा कर देंगे। जूनियर, मैं उन कीड़ों का कचूमर बना दूंगा। तो बोलो कब की टिकट है? पर कहानी के मुताबिक हमें आजाद करने वाले महान टाइगर वॉरियर का साथ देंगे सात खूंखार वॉरियर्स। हाँ ये तो सच है, ये है जूनियर, और इससे खूंखार और कोई नहीं है। और इसके अलावा हमारा साथ देंगे वो जिनको जूनियर और मैंने अब तक बख्शा हुआ है। मैंने उन सबकी जान बचाई है, इसलिए वो मुझे इनकार कर ही नहीं पाएंगे। खतरे में डालनी है अपनी जान, तो तुम ही डालो, मुझे नहीं बनना महान। हाल होगा बुरा, गंदे होंगे बाल, मैं नहीं आऊंगा, नहीं होना मुझे बेहाल। वाह, शुरुआत तो अच्छी हुई है। मिस्टर मॉरिस, मिगेल उन वॉलपेपर्स को डिशुम डिशुम करेगा? वॉलरसेस को। बिल्कुल मिगेल, तुम जितना चाहे उन्हें डिशुम डिशुम कर पाओगे। मिगेल भी साथ आएगा मिस्टर मॉरिस, मिगेल वॉलनट्स को डिशुम करेगा। मिगेल ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। डिशुम डिशुम डिशुम। हे, क्या तुमने साउथ पोल कहा? हाँ, यहाँ से बहुत दूर, वहाँ पहुँचने में ही कई हफ्ते लगेंगे। वाओ, इसमें बड़ा मजा आएगा। हे बॉब, तुमने वो सुना, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, पर वहाँ जाना खतरनाक लगता है ना? खतरनाक बिल्कुल भी नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो, हम मॉरिस के साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, पर पता नहीं, हो सकता है वहाँ हमें कुछ खाने को ना मिले। चलो भी, मुझे जाना है, प्लीज प्लीज कह दो कि हम जा सकते हैं।
फिर हमारे वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए मक्खी करी बनाऊंगा बासी पानी के कीड़े वाले आचार के साथ हर दिन पूरे महीने तक। दो महीने। हे मॉरिस, लगता है तुम्हें अपनी टीम के लिए दो और काबिल वॉरियर्स मिल गए हैं। मिगेल और जूनियर को मिलाकर चार हो गए हैं। लगता है बात बन रही है ना? पर अभी तीन वॉरियर्स कम हैं। हे गिलबर्ट, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैं नहीं। तो ठीक है, हम जा रहे हैं गिलबर्ट, तुम यहाँ अकेले रहो। गिलबर्ट, आखिरकार मैं अकेला हो गया हूँ। अरे वाह, बिल्कुल अकेला। ठीक है, अकेला बिल्कुल अकेला। मैं चलूंगा, मेरे बिना गए तो देख लेना। एक्सलेंट। चलो ठीक है। हा? चलो साथियों, अब वक्त है जाने का। हे हेलो, आपको पता है ना अभी दो वॉरियर्स कम है, हम रास्ते में ले लेंगे। और मैं अब मैं क्या करूं? मिगेल, चलो। पता है ना मेरी कमर दुखती है, और जरा डाली ऊपर लो, मुझे ऊपर रहना पसंद है। मिस्टर मॉरिस, क्या मिगेल इस चूहे को डिशुम डिशुम करे? देखने जाओ तो हम दोनों भाई जैसे हैं, और अपने भाई को थोड़ी ना कोई मारता है। मिस्टर मॉरिस, क्या अब मिगेल चूहे को डिशुम डिशुम करे? नहीं मिगेल, तुम्हें ऐसे नहीं, उन वॉलेट्स को मारना है। वो वॉलेट्स हैं। हाँ भाई भाई, रहूंगा मैं यहीं पर, बिताऊंगा अपने दिन तमाम। जाकर कुछ पेंगुइन्स को बचाना नहीं है मेरा काम। थैंक यू। दोस्तों मेरे लिए रुको, इस एडवेंचर पर तुम्हारे साथ आना है मुझको। हाँ करना पड़ता है, तैयार रहने के लिए ट्रेनिंग करते रहना जरूरी है। लो आ गया मिलाने हाथ, जंगल बच मैं हूँ तुम्हारे साथ। बच के रहना, आ रहे हम, उनका करेंगे खात्मा, मिटाएंगे सबके गम। उनका करेंगे खात्मा, मिटाएंगे सबके गम। हे वाह, फ्रेड भी वॉलरसेस को डिशुम डिशुम करेगा। करेंगे डिशुम डिशुम डिशुम। और हो, सब आगे बढ़ते चलो। पिंग, देख रही हो, अब हमें बस एक बार साथी चाहिए और काम हो जाएगा। हाँ माना कि जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी हो जाएगी, पर क्वालिटी का क्या? ओ, चलो भी पिंग, हमने महान टाइगर वॉरियर को ढूंढ लिया है और वो हमारे साथ चल रहे हैं। वो कहानी सच होकर ही रहेगी, हमें उन वॉलर्स से आजादी जरूर मिलेगी। पाएंगे। ठीक है, तो फिर यहीं सो जाते हैं। और खाने का क्या? खाली पेट मुझे नींद नहीं आती। सोने से पहले मुझे होता है नहाना, सफाई के मामले में नहीं चलता कोई बहाना। बारिश होने वाली है तो अब क्या? अब हम क्या करें? यहीं बैठकर बीमार हो जाएं? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। आप सब शिकायतें करना बंद करेंगे या नहीं? अगर आपको यहाँ तकलीफ हो रही है, फिर तो आप बर्फ में एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। वहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है, हर दूसरे दिन तेज तूफान आता है, और खाने के लिए सिर्फ मछली और समुद्री घास मिलती है। तो फिर तुम वहाँ रहती क्यों हो? क्योंकि वो मेरा घर है। अब सब सुनो, हमारे मिशन का नाम है AJD। अच्छी जगह ढूंढो। मिगेल, डाली को सीधा पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। गिलबर्ट, आसपास नजर घुमाओ और हमारे सोने के लिए एक सुरक्षित सूखी जगह ढूंढो। मैं तुम्हें सोने के लिए सूखी जगह ढूंढने में मदद क्यों करूं? भूल गए? तुम्हारी वजह से ही तो मैं महीनों से चैन की नींद नहीं सो पाया हूं। मिगेल, तुम अभी ढूंढोगे, सोने के लिए जगह ढूंढो। इस बार मैं ढूंढ देता हूं। वाह क्या बात है, वहाँ पर कुछ दिख रहा है, वो भी तब जब उसकी जरूरत है। अजीब बात है।
हाँ तो इससे अच्छा हम बाहर ही सो जाते हैं ना। मेरी मत मानो, ये लाइटिंग सिस्टम तो कमाल का है, जो भी यहाँ रहता है वो सच में एक जीनियस है। ओह थैंक यू वेरी मच। कौन है, कहाँ है? वेलकम थके हुए मुसाफिरों, आओ अंदर आ जाओ। शायद मेरे अलावा अंधेरे में थोड़ी रोशनी का होना किसी और को भी अच्छा लगता है। ओ तुम्हें पूछने में शर्म आ रही होगी, हाँ तुम सब यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। थैंक्स, तुमने बचा लिए मेरे बाल, वरना ये बारिश कर देती इनका बुरा हाल। अगर आपको दिक्कत है तो हम। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओ ये कितना प्यारा है, इसका नाम क्या है? ये है मेरा बेटा जूनियर, इसे कुछ भी कह लो पर प्यारा मत कहना। तुम बहुत ही क्यूट हो, क्या तुम आंटी पेट्रिसिया के साथ रहना चाहोगे? ठीक है तो तय रहा, तुम सब जब तक चाहो रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच मिस, पर हमें सुबह होते ही निकलना होगा, पहले मिशन बाकी सब बाद में। मिशन? किस तरह का मिशन? ओह माफ करना, ज्यादा पूछ लिया। अरे कोई बात नहीं, ये कोई सीक्रेट थोड़ी है, हमें कुछ अजीब पंछियों को कुछ अजीब बड़े कीड़ों से बचाना है। वैसे क्या तुम्हारी पहचान का कोई एडवेंचरर है? हमें अपनी टीम के लिए एक और होहार वॉरियर की जरूरत है। नहीं मैं किसी को नहीं जानता। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस्टर मॉरिस, आपको नहीं लगता कि एक बैट हमारे काम आ सकती है? वो उड़कर हमारे लिए जासूसी कर पाएगी। रुको, तुम आसमान से जासूसी नहीं कर पाओगे, तुम पंछी हो राइट, तुम उड़ सकते हो ना? उड़ना ये एक काम हम नहीं कर सकते। मेरी बात का बुरा मत मानना पर तुम्हारे वो पंख किस काम आते हैं? हाँ ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया गया। एक पंछी जो उड़ ही नहीं सकता। चलो ठीक है, हमें कोई ऐसा चाहिए जो उड़ सके। अरे हाँ मुझे पता है, तुम एक बैठो, क्या तुम साउथ पोल चलोगी हमारे साथ कुछ गंदे वॉलनट्स को सबक सिखाने के लिए? मतलब अपनी इस गुफा को छोड़कर मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर पाऊंगी। बिल्कुल कर पाओगी, बहुत ही आसान होगा, दुश्मन के इलाके में जाकर बस थोड़ी जासूसी करनी होगी, एकदम सेफ। उनसे लड़ने का काम जूनियर और मैं संभालेंगे, और मिगेल तुम्हारे बॉडीगार्ड का काम कर लेगा, जो है ना मिगेल? हाँ जरूर मिस्टर मॉरिस। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं उड़कर जासूसी करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऊंचाई पर जाकर तुम्हें ऊंचाई पर जाकर क्या? मुझे वो बस, दरअसल एडवेंचर तो मेरे खून में है। सच में मैं अभी सोच ही रही थी क्यों ना एक एडवेंचर पे जाया जाए, अजीब इत्तेफाक है। सही कहा ना, मुझे मंजूर है, मैं चलूंगी। तो हम कल निकलेंगे राइट? चलो काम हो गया, टीम में तुम्हारा स्वागत है, हमारी टीम बन गई। ठीक है और अब हमें सो जाना चाहिए, हमें लंबा सफर तय करना है। वॉलपेपर, एग्जैक्टली, बढ़िया है। मुझे भी
देखो पिंग, हम पहुँचने वाले हैं। बस कुछ और दिन और फिर हो जाएगा बुराई का अंत। पता नहीं पोंग, उम्मीद करती हूँ तुम सही हो। हाँ देखो, हम पहुँचने वाले हैं। बस कुछ और दिन और फिर हो जाएगा बुराई का अंत। पिंग, पोंग, ये लुका छुपी खेलने का वक्त नहीं है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। वो एक एनाकोंडा के निशान है जो मुझे अच्छे नहीं लगते। लगता है वो पोंग को लेकर उस तरफ गया। वो कुछ देर के लिए उसमें उलझा रहेगा। चलो इस बात का फायदा उठाकर हम चलते हैं उस तरफ। चलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अच्छा ही हुआ है ना जूनियर, हमने काफी वक्त से एक्सरसाइज भी नहीं की है। तुम सब पिंग का ख्याल रखो, हम 2 मिनट में गए और 5 मिनट में आए। कोई बचाओ। ये कमिंग। तुमने अच्छा किया बेटा, पर परफेक्ट नहीं था। अब मुझे देखो और सीखो। सुनो बड़े कीड़े कहीं के, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस अजीब पंछी को छोड़ दोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, कम से कम इस बार तो नहीं। आज तक तुमसे किसी ने इतनी अच्छी तरह बात नहीं की होगी, है ना? अब तुम महान टाइगर वॉरियर का कहर झेलने को तैयार हो जाओ। वही रहना और ध्यान से देखना, अब तुम नहीं बचोगे कीड़े। पता है एनाकोंडा पोंग, हमें जल्दी जाकर उसे बचाना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो पिंग, मॉरिस और जूनियर उस सांप को अच्छा सबक सिखाएंगे। वो दोनों तो उसे खत्म ही कर देंगे। हाँ, मिस्टर मॉरिस बुरे सांप को डिशम डिशम करेंगे। क्या वो कुछ नहीं कर पाएंगे? आखिरकार किसी ने मेरे दिल की बात कही। मुझे भी यही लगता है कि वो किस तरफ गए हैं। वो उन निशानों के पीछे गए हैं। मुझे छोड़ दो कीड़े। तुम्हारा हुक्म सर आखो। तुम हो तो काफी ताकतवर, पर तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। लो काम हो गया, एक और कीड़े को धूल चटा दी। क्या तुमने वो देखा मेरे बच्चे? तुम्हें ये सब याद रखना होगा। आप समझे कितना जरूरी होता है दहाड़ना? वो डर के मारे सहम गया था पूरी तरह। सब दिमाग का खेल है। तुम्हें देखते दुश्मन को समझ जाना चाहिए वो किससे टकरा रहा है। चलो आज के लिए इतना काफी था। पोंग, पोंग। एक सांप है, बहुत बड़ा सांप। यहाँ क्या हुआ था? शांत हो जाओ पोंग, सब ठीक हो गया है। अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब महान टाइगर वॉरियर हमारे साथ है। जरा आसपास देखो जूनियर, मेरे ख्याल से हम यहाँ आने वाले पहले और आखिरी टाइगर्स हैं। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? मैं तुम्हें नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। क्या अब हम आगे बढ़े? वाह, हम गंदे वॉलरसेस को डिशम करेंगे, है ना फ्रेड? डिशम डिशम डिशम। हाँ, जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा। अबे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर कोई गर्म जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। उस तरफ चलो, चलते। अरे वाह, शायद तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो। हम यहाँ कुछ बुरे वॉलरसेस की पिटाई करने आए हैं। वो दिखने में बड़े और गंदे होते हैं, अजीब से दांत होते हैं। तुमने उन्हें देखा है क्या? Oh, my God.
देखो, ध्यान से देखो तब वो आ रहे हैं। मुझे नहीं शुक्रिया, 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 मुझे नहीं शुक्रिया। मुझे यहाँ घुमाया, मुझे वहाँ घुमाया, कर दिया मेरा बुरा हाल, बिगाड़ दिए मेरे प्यारे बाप। बाप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ बाप। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम ठीक हो? भूख लगी है। क्या सोच कर तुमने ना समझो को हमसे लड़ने भेजा? हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, अब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए थी छोटे ना समझो। तो ये है तुम्हारा वो महान टाइगर वॉरियर। अब तुम सबको इस बगावत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्लीज हमसे गलती हो गई। हम कभी माफ नहीं करते। अब से तुम्हें अपनी सारी मछली हमें देनी होगी। तुम हमारे बचाए टुकड़ों पर जी लेना, और तुम कोई गड़बड़ ना करो, हम इसका इंतजाम भी करके जाएंगे। एल्विस, ओली। हम दो दिन बाद वापस आएंगे तुम्हारी सारी मछली ले जाने के लिए, और अगर उस वक्त हमें तुम्हारे निकम्मे मेहमान यहाँ दिखे तो तुम अपने अंडों को कभी नहीं देख पाओगे। वो कहाँ चले गए? ओ, मुझे याद आया, मैं उनको हराने ही वाला था और फिर पुफ, मैं बेहोश हो गया। ए, देखो यहाँ तो कई सारे अजीब पंछी हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मॉरिस, महान टाइगर वॉरियर। उन वॉलनट्स को हम दिन में चांद तारे दिखा देंगे। आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला, आपको अब जाना चाहिए। क्या तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ? वो हमसे जरूर हारेंगे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, मेरी बहन सही है, ये पहले से ही सही थी, मुझे इसकी बात माननी चाहिए थी। दरअसल हमारी मदद कोई कर ही नहीं सकता, महान टाइगर वॉरियर और उनके खूंखार साथी। प्लीज, लगता है वो सिर्फ एक कहानी ही थी। पॉन्ग, मैं तुम्हारी मायूसी समझ सकता हूँ, हम उनके लिए तैयार नहीं थे। ऊपर से तुमने वॉरियर्स की तस्वीर भी कुछ खास नहीं बनाई थी, है ना? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिक्र मत करो, कल हम ये पूरा मामला सुलझा देंगे, ठीक है? पॉन्ग, कम ऑन, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ओह प्लीज, चले जाइए, आप पहले ही काफी नुकसान कर चुके हैं। चलो पॉन्ग, हम जल्द ही तुम्हारी बहन को मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बिना भी ये काम कर लेंगे। चलो टीम, अब चलते हैं। हे दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ मिशन पर आए हैं। हम मिशन पर आए थे मॉरिस, जो पूरा हो चुका है। तुमने सुना ना, हमें यहाँ से जाना होगा। वैसे भी तुमने देखा ना, वो हमसे कितने ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने हमें पल भर में मसल दिया, और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं थक गया हूँ, जम गया हूँ, मुझे घर जाना है। ठंड, भूख और थकान का मारा फंस गया हूँ मैं बेचारा। रुक जाओ दोस्तों, हम तो यहाँ अपनी बहादुरी की मिसाल कायम करने आए थे ना। हम तो आजादी के रखवाले हैं ना, हम खूंखार और ताकतवर है ना, हमें हराना नामुमकिन है। इन बेचारे पंछियों की मदद करना हमारा फर्ज है। तो चलो मेरे दोस्तों, जो भी इस मिशन में मेरे साथ है वो कहे आए। ठीक है, तुम सब कहीं मत जाना। यहाँ उन्हें है पैंग। तो मैं क्या कह रहा था, अरे हाँ, जो भी पैंग और उसके परिवार और उसके पूरे गांव को छोड़कर वापस जंगल लौट जाना चाहता है, वो अपना हाथ उठाए। और एक बार फिर, जैसे मिशन पूरा करना है वो हाथ उठाए। सब तैयार हैं, जैसा मैंने सोचा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया पैंग, अब तुम जा सकते हो। जंगल के खूंखार वॉरियर्स अब यहाँ किसी पर भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मैंने प्लान बना लिया है। पहला मिशन, अंडों को वापस लाना। हमारे पास 5 मिनट है, चलो चले। हम ये 2 मिनट में कर सकते हैं। सही कहा गिल्बर्ट।
हैं, नकली अंडे तैयार हो ही गए हैं। बोलो आगे क्या करना है? पैट्रिसिया, अब तुम एक जासूसी मिशन पर वॉलरसेस के ठिकाने तक जाओ और पता लगाओ कि उन्होंने पेंगुइन्स के अंडों को कहां पर रखा हुआ है। वो मैं एक जासूसी मिशन पर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ऊंचाई पर मुझे चक्कर आते हैं। मैंने बता दिया। चलो अच्छा हुआ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इतनी दिक्कत होगी। तुम कितना ऊंचा उड़ सकती हो? कम से कम मिगेल की ऊंचाई जितना, ठीक है ना? अच्छा, मेरे एनालिसिस के मुताबिक हमें को पायलट की जरूरत है, ऐसा कोई जिसे ये उठा सके और साथ ही जो इसे रास्ता दिखा सके। एल, मैं इसके साथ जरूर जाता पर मेरी नजर बहुत कमजोर है। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसकी नजर तेज हो। क्या है, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब मैं किस तरफ जाऊं? मुझे वॉलरसेस ठीक सामने नजर आ रहे हैं। क्या तुम थोड़ा सा नीचे जा? वैसे तुम्हें मेरे साथ इतनी फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है और कसकर पकड़ो मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम गिर जाओ। और ये है आखिरी अंडा। परफेक्ट, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जाओ, अंदर आ रहे हैं। ओह, तुम्हें कितना मिस किया। मिशन का पहला पड़ाव पूरा हुआ, हमने अंडों का पता लगा लिया है। बहुत अच्छे गिल्बर्ट, अब हम अगला पड़ाव शुरू कर सकते हैं। मेंढक दोस्त, पैट्रिसिया तुम कर सकती हो। बॉब तुम ठीक हो? बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ठीक है, वो चले गए। मुझे माफ करना पिंग, तुम उनके बारे में शुरू से ही सही थी। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं भी यकीन करने लगी थी। हे मॉरिस, मॉरिस, वो सब चले गए पर उन्होंने वादा किया था वो मेरी छोटी बहन को बचाएंगे। Thank you.
उन गंदे वॉलरसेस का दिन था, लेकिन आज आज से उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कल वापस आने वाले हैं, हमने आपको लड़ते देखा है, आप उनके सामने कभी नहीं जीतेंगे, और ऊपर से अंडों को वापस लाकर आपने हमें और खतरे में डाल दिया है। क्या आपके दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुसती? कल जो कुछ भी हुआ वो बस एक फ्लूक था, आप उनके सामने टिकने लायक नहीं है। अच्छा ठीक है, पर इस बार बात अलग है दोस्तों। हमारे पास नया प्लान है, बस एक नया प्लान ही नहीं, हमारे पास एक नई सेना है। ओ अच्छा, और कहाँ है वो सेना? वो रही ठीक मेरे सामने। मैं तुम सब की बात कर रहा हूँ। ये निकल रही है, ये निकल रही है। मैं यहीं पर रहकर उनसे लड़ूंगा, मैं अपनी बहन को एक गुलाम बनकर नहीं जीने दूंगा। और वो बड़ी होगी एक आजाद दुनिया में। Travels in the world, sailing all across the ocean to help the little penguins against the nasty villains. We're gonna make a commotion. I know it won't be easy, but we will all stick together. Trust me when I say there's no need to pray, 'cause we're some wild, wild terrors. Maurice the bravest tiger and his amazing gang of fighters. We're going out swinging, we may need training, but in the end it will be brighter. Hold up your hopes, it's up to me and you. Use all your might, it's all that we can do. Maurice and friends are fierce without a doubt. When we come in, there's no way out. Jungle of ice, it's all the same fight. We don't like bad guys, we know we're right. We came here from the jungle with not a single fear of fighting. If I were in your places with your ugly faces, I'd rather run and go hiding. Maurice the bravest tiger and the seven fighters of freedom. To save the little penguins and win against the villains, the hour of victory has come. Hold up your hopes, it's up to me and you. Use all your might, it's all that we can do. Maurice and friends are fierce without a doubt. When we come in, there's no way out. Jungle of ice, it's all the same fight. We don't like bad guys, we know we're right. ठीक है गिलबर्ट, लगता है हम तैयार हैं। ठीक है गिलबर्ट, लगता है हम तैयार हैं। वारे, वारे। ठीक है, अपने अपनी पोजीशंस ले लो। अब ध्यान से सुनो कीड़ो, एक और राउंड के लिए तैयार हो। तो तुम फिर से हमारे साथ लड़ने की कोशिश करना चाहते हो? अब देखो मैं क्या करता हूँ। शुरू करो। जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। एल्विस, जाकर उनके अंडे ढूंढो और उन्हें तबाह कर दो।
हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। जाओ उन्हें दिखा दो बेटे। शाबाश बेटे। चलो आज इसी से काम चला लूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दो विक्रमनाथ जूनियर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम हो बड़े ही गंदे, दिखने में बड़े अजीब से बंदे, आज तो तुम्हें मिलकर रहेगी सजा, मुझे पकड़ कर दिखाओ आएगा बड़ा मजा। फ्रेड ने मिगेल को बचाया। फ्रेड मेरा अच्छा दोस्त है, बुरे वॉलरसेस फ्रेड को बचाना है। मैं कमिंग जूनियर। वहाँ देखो वो बदमाश अंडों के पास जा रहा है, मुझे यहीं छोड़ दो और जाकर मदद ले आओ, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। अब अगर तुम उन अंडों को लेने के लिए सारा भी आ गया है तो तुम्हारी खैर नहीं मोटे गुब्बारे। जाओ मदद करो उसकी। मिगेल यहाँ रहकर इसे डिशम डिशम करेगा। पेंगुइन और मिगेल जीतेंगे। क्या हो गया, भाग रहे हो पीठ दिखाकर कायर कीड़े कहीं के? तुम ठीक हो बेटा? पहले मैं तुमसे जल्दी से निपट लेता हूँ, फिर आराम से इसका नाश्ता करूंगा। इसे बता दो। अभी हंस लो पर जान लो हमारी ये स्किन बहुत ही जहरीली होती है। ये जल रहा है, ये खुजली। सारे अंडे हैं सही सलामत, कर दी उस बड़े कीड़े की हजामत, हमने दिखाया किस में है कितना दम, हार गए वो जीत गए हम। Yeah.
मॉरिस 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 मिस्टर मॉरिस मिगेल दुखी है, मिगेल अब रोएगा। मॉरिस द टाइगर चला गया आज, पहना है इसने शहीदों वाला ताज। इसकी ताकत थी सबसे बेशुमार, अब हमारी नैया को कौन लगाएगा पार। ये क्या, किसी ने अपनी जान गवा दी? ए, चलो जल्दी मुझे बताओ ताकि मैं महान टाइगर वॉरियर उसका बदला ले सकूं। बेटे कमाल कर दिया तुमने, क्या हमला था, क्या दहाड़ थी, दोनों कमाल के थे। मुझे तुम पर नाज है मेरा नन्हा वॉरियर। सबकी जीत हुई है, तुम सबके बिना यह कामयाबी नामुमकिन थी। आपको पक्का यकीन है कि आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते? देखो हमारा मिशन अब पूरा हो गया, अब मुझे अपनी हुकूमत जारी रखने के लिए वापस जंगल लौटना ही होगा। पर तुम हमारे बिना भी अच्छी तरह रह लोगे। तुम अब किसी का भी सामना कर सकते हो, पंख नहीं हुए तो क्या हुआ। थैंक यू सो मच मॉरिस। और तुम मेरे नन्हे पैंग, तुम्हारे अंदर एक टाइगर की बहादुरी और जोश है, इस गांव का हमेशा ख्याल रखना। तो अब बताओ कौन सही साबित हुआ, बोलो। पोंग ही सही था और पोंग ही सबसे होशियार और बहादुर है। ये हुई ना बात। और मेरी तसल्ली के लिए एक और बार मैं किस बारे में सही था? यही कि मॉरिस ही असली महान टाइगर वॉरियर है। और शुक्र है कि पोंग उन्हें ढूंढकर हमें बचाने के लिए यहाँ ले आया, इसलिए थैंक यू पोंग। गुड, लगता है अब तुम समझ गई हो। गर्मा गर्म मक्खी करी और बासी पानी के कीड़ों का अचार, घर का खाना सबसे अच्छा होता है। हो गया हूँ मशहूर, मेरे चर्चे हो रहे हैं दूर दूर। ओ ये क्या, मुझे कभी यहाँ शांति नहीं मिलेगी। वैसे हमारी टीम थी तो बहुत अच्छी, पर हमारा ब्रेकअप खत्म हुआ। जंगल के सबसे खूंखार टाइगर्स अब वापस आ गए हैं।